और मैंने ना उसको माँ बहन की गालियाँ भी देनी स्टार्ट कर दी। गरीबों को ना पढ़ना नहीं चाहिए। मेरा हाथ ना बहुत तड़पता था उस पोटली को मारने के लिए। कुत्ती जब भी आती है ना आग लगा के ही जाती है। हर चीज में ना वो मेरी बहन के साथ नाक में उसका दम करके रखती थी। हम लोग उसको और जला रहे थे, हमको बड़ी खुशी हो रही थी। तो किस पागल के मुंह लगती है। ओके कंग्रेचुलेशन, निकलो बाहर अभी। वो गाड़ी में जिसकी मौत हुई थी ना, वो कंगना और उसका बॉयफ्रेंड था। मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी, ऐसी अकेली नहीं जाऊंगी। पापा जी वो देखो साया, ये तो कंगना की हंसी है। जलन, चिढ़, ईर्ष्या और नफरत उत्पत्ति से ही मौजूद है और इससे होने वाली तकलीफों से लगभग इसको झेलने वाले सभी परिचित हैं। पर सिक्के के दूसरे पहलू की ओर अगर गौर से नजर डालें तो जलन, ईर्ष्या, चिढ़, नफरत पालने वाले मूर्खों के राजा अपनी जिंदगी का असली आनंद ले ही नहीं पाते। ऐसा मानसिकता का रोग रोगी को अपने लक्ष्य की तबाही देखने के बाद ही राहत पहुंचाता है। ऐसे रोगी इस तबाही को सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर को खाने के बाद और रात को खाने के बाद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। यही इनकी असली खुराक है। ऐसे मरीज अपना ख्याल जी जान लगाकर देते हैं ताकि इलाज में कहीं कोई कमी ना रह जाए। एक ऐसा ही गंदा वायरस हमारी जिंदगी में भी था जिसका जहर हमारा दम घोट देता था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 5050 ब्लॉग में स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, मैं जब पंजाब में रहती थी ना, तो मैं एक ज्वाइंट फैमिली में रहती थी। उस फैमिली में हम लोग भी रहते थे, मतलब मेरे मम्मी डैडी भी रहते थे, मेरे अंकल आंटी भी रहते थे, मेरे दादाजी भी रहते थे। हम सभी लोग मिलकर रहते थे, लेकिन हम सभी का किचन जो था ना वो अलग अलग था और जितने भी बच्चे थे ना, हम सब लोग अपने दादाजी के साथ सोते थे बरांडे में। मेरी एक कजन थी, इस किस्से में मैं उसका नाम रूबी रखती हूँ। मेरी जो कजन थी वो देखने में बहुत खूबसूरत थी और पढ़ने में भी बहुत होशियार थी। हमारे ना एक बाजू में पड़ोसी थे, उनकी एक बेटी थी, वो भी हमारी ही उम्र की थी। इस किस्से में मैं उसका नाम रखूंगी कंगना। जो कंगना थी ना, उसकी फैमिली बहुत अमीर थी, उनका बहुत बड़ा घर था, लेकिन फिर भी कंगना ना मेरी कजन मतलब रूबी से बहुत जेलसी रखती थी। बचपन से ही इतनी चिड़चिड़ी नकचड़ी थी ना, कभी भी हम लोग अगर खेल रहे हैं, हम लोग मिट्टी का घर बना रहे हैं और आके ना वो मिट्टी के घर पर पानी डाल देती थी और बोलती थी बारिश हुई, ऐसा मतलब बुरा भी ना लगे और बात को हंसी में डाल देने का, ऐसा वो करती थी। हर चीज में ना वो मेरी बहन के साथ नाक में उसका दम करके रखती थी। स्कूल में भी वो एक ही क्लास में पढ़ते थे तो कई बार क्या करती थी, जानबूझकर ना मेरी कजन की नोटबुक छुपा देती थी ताकि उसको ना टीचर से डांट पड़े, ऐसा वो करती थी। कभी मेरी बहन अगर बाय चांस नया कपड़ा भी ले लेती थी ना, तो मेरी बहन ने एक जोड़ी ली होती थी, वो हमको दिखाती थी, हमारे घर पर बकायदा आती थी कि देखो मैंने ना 5 जोड़ी नए कपड़े लिए हैं। मुझे उसकी बातें बहुत बुरी लगती थी क्योंकि हर बात में ना वो मेरी बहन को नीचा ही दिखाती रहती थी। तो उस टाइम पर, आज तो मैं बहुत शरीफ हूँ, उस टाइम पर ना मैं बहुत गुंडागर्दी करती थी। मैं माँ बहन की गालियाँ भी देती थी और मैं बहुत झगड़ा करती थी, मतलब सामने वाले की नाक में दम मैं भी करके रखती थी। और मैं क्या करती थी, जैसे हमारे घर पर आई ना वो 5 जोड़ी लेकर मेरी बहन को नीचा दिखाने के लिए, तो मैंने उसको बोला हमारे घर पर क्यों आई है, निकल हमारे घर से बाहर। हाँ, अपने आप को क्या ज्यादा अमीर समझती है तू। हाँ, और मैंने ना उसको माँ बहन की गालियाँ भी देनी स्टार्ट कर दी। तो इतने में ना मेरी मम्मी आई और हमको ना चुप करवाया और मेरी कजन भी बोलती है तो किस पागल के मुंह लगती है। और मेरे मम्मी बोले ये लोग ना अमीर लोग हैं, इन लोगों से पंगा नहीं लेना, इनकी काफी ऊपर तक पहुँच है। मेरे मम्मी ऐसा बोलकर मुझे चुप करवा देते थे। और मेरी जो बहन थी वो बहुत शांत थी, बहुत अच्छी नेचर की थी, वो एकदम कूल रहती थी, हर बात पर बोलती थी चल कोई ना, जान दे कोई गल नहीं हैगी, छड़ ना। मेरे को तो बड़ा मेरी बहन पर भी गुस्सा आता था,
क्या है, उसको मजा नहीं चुका सकती क्या? बल्कि ऐसा नहीं था मेरी बहन कमजोर थी, बस उसकी नेचर ही ऐसी थी, वो बहुत शांत रहने वाली थी। लेकिन मेरा हाथ ना बहुत तड़पता था उस पोटली को मारने के लिए। अपने पैसे का रूप दिखाती रहती है, जब देखो अपने पैसे की बावा करवाती रहती है। मेरी बहन जाने दे कोई गया कोई ना करती रहती है। जैसे ही ना मेरी बहन अभी कॉलेज में एंट्री ली, उसने ना मेरी बहन बड़ी होकर ना डॉक्टर बनना चाहती थी, वो डेंटिस्ट बनना चाहती थी, इसीलिए उसने मेडिकल लिया था। और उसका ख्वाब था कि मेरा ना एक बहुत बड़ा क्लिनिक हो खुद का, मैं डेंटिस्ट बनूं, मैं डॉक्टर बनूं। उसके बचपन से यही इच्छा थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो वो कुत्ती कंगना ने भी मेडिकल में दाखिला ले लिया, दोनों एक ही कॉलेज में आते थे। अब मेरे अंकल ने क्या किया कि मेरी बेटी कॉलेज जा रही है, बहुत खुश हुए। तो उन्होंने ना क्या किया, कॉलेज मेरी बहन का दूर था, तो उन्होंने ना मेरी कजन को एक साइकिल लाकर दिया, नया साइकिल लाकर दिया। अब घर में कोई नई चीज आती है तो कितनी खुशी होती है सबको। हम सभी बच्चे ना उस साइकिल को चला रहे थे और मजा ले रहे थे, सब लोग बहुत खुश थे, मस्त इधर घुमा उधर घुमा ऐसा चला रहे थे। हम सभी लोग इतने खुश थे, मस्त चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं। हमारे पास साइकिल नहीं आ गया था, ऐसा लग रहा था कि हवाई जहाज आ गया है, हम लोग इतने खुश थे। और वो जो है ना कंगना, वो ऊपर से टेरिस से हमको देख रही थी, मुंह सड़ा रही थी, हम लोग उसको और जला रहे थे, हमको बड़ी खुशी हो रही थी। वो हर वक्त हमको जलाती रहती है, आज हम उसको जला रहे थे, तो बड़ा मजा आ रहा था। अब मेरी बहन तो जाने दे वाली थी, मैं तो बड़ा मजा ले रही थी। मैं जानबूझ के उसके घर के पास जाती और बेल बजाती थी, घंटी मतलब साइकिल की बेल बजाती थी, टंग 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 करके उसको सुनाती थी, उसका मुंह और सड़ जाता था। और नेक्स्ट डे कंगना हमारे घर पर आई और कैनेटिक पे आई। उसने हमारे घर पर ऐसे एंट्री हीरो के जैसी ली ना, और कैनेटिक खड़ा किया, तो हमारे घर के अंदर आ रही है और उसके हाथ में ना स्वीट है। और मेरी बहन को बोलती है, देख मैंने ना नया कैनेटिक लिया है, और बोलती ले मुंह मीठा कर। और जैसे ही मिठाई दी ना मेरी बहन के मुंह में डालने जा रही है और बोल रही है, ये मिठाई तुझे पता है कितने की है, ये 2000 रुपया किलो की है। और फिर साइकिल की ओर देखकर बोलती है, तेरा साइकिल तो मुझे लगता है 1500 या 1700 का होगा, लेकिन ये जो मिठाई है ना ये 2000 रुपया किलो की है, तू मुंह मीठा कर मेरे कैनेटिक के लिए। और मेरे बहन ने क्या किया, वो स्वीट अपने हाथ में ले ली, खाई नहीं, और उसने डब्बा रखा और जाते जाते बोल रही है, मिठाई फेंकना नहीं हाँ, बहुत महंगी है, खा लेना। तो मैंने बोला, तू जाना तू क्यों आती है हमारे घर पर, जब तुझे मना किया है कि मत आया कर, बेशर्मों का जैसा मुंह उठा के आ जाती है। जा रही हूँ, ऐसा कर निकल गई हमारे घर से। अब मेरी बहन जो थी ना कॉलेज में जब पढ़ती थी, उसको ना एक लड़के से प्यार हो गया, वो लड़का भी मेडिकल ही कर रहा था। इस बात की जानकारी हमारे पूरे परिवार में थी, हमारा पूरा परिवार भी बहुत खुश था, हम चाहते थे कि उसकी शादी उस लड़के से हो जाए। इवन के लड़के के परिवार वालों को भी पता था कि हम उन दोनों का लड़का लड़की का आपस में अफेयर है, हम सब खुश थे इस रिश्ते से। एक दिन अचानक उस लड़के ने ना मेरी बहन से बात करना बंद कर दिया, क्या हुआ पता ही नहीं है, मेरी बहन जानने की कोशिश कर रही है, उसको पूछ रही है कि क्या बात है, मुझे बता तो सही तुझे हुआ क्या है, तू बात क्यों नहीं कर रहा है। इवन कि मेरी बहन उसको ना फोन भी बहुत बार करती थी, फोन पर भी नहीं आता था, फोन काट देता था, कुछ नहीं बात करता था, कुछ रिप्लाई ही नहीं करता था, मतलब एक कान से डाला दूसरे कान से उसने निकाल दी मेरी बहन की बात, ऐसे लटगो वो करता था। अब 3-4 दिन के बाद ना हम लोगों ने देखा, मतलब हम लोगों ने, मेरी बहन ने मुझको बताया था, 3-4 दिन के बाद मेरी बहन ने कंगना के साथ उस लड़के को देखा, अपने एक्स बॉयफ्रेंड को। मेरी बहन देखकर बहुत ज्यादा चौंक गई, ये क्या। और कंगना तो इतनी खुश थी ना कि फूले समाई नहीं रही थी, उसकी खुशी तो ऐसे उसके फेस से टपक रही थी। और मेरी बहन को देखकर कैंटीन में बैठे हैं और लड़का लड़की, मतलब कंगना और जो मेरी बहन का एक्स बॉयफ्रेंड था, वो दोनों कैंटीन में बैठे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, और कंगना उस लड़के का हाथ चूम रही है बार बार ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके, और बोल रही है, फाइनली हमारा मिलन हो ही गया, हम दोनों एक हो ही गए। मेरी बहन को चिढ़ा रहे हैं, ये देखकर बेचारी मेरी बहन बहुत उदास हो गई, और वो पूरा दिन उसने कॉलेज अटेंड नहीं किया, घर पर सीधा आ गई। और मेरी बहन ने मुझे भी बताया कि देखना ऐसा ऐसा इन लोगों ने किया है। मेरी बहन काफी उदास रहने लगी, बहुत उसका अभी पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। एक दिन ना मेरी बहन कैंटीन में बैठी है और कंगना आई अपने बॉयफ्रेंड के साथ,
तीन चार टेबल छोड़कर ना उसी टेबल पर जानबूझकर बैठी आगे, ताकि वो मेरी बहन को अच्छे से देख सके और चिढ़ा सके। और मेरी बहन के पास टेबल के पास आई और मेरी बहन को बोल रही है, अब कॉलेज की फीस आ गई है भरने की, कहाँ से भरोगे तुम लोग? कुछ ही दिन में तो फीस भरनी है, इतनी फीस भर पाओगे? तुझे पता है डेंटिस्ट बनने के लिए कितना खर्चा होता है, खुद का क्लिनिक भी खोलना पड़ेगा, इतना पैसा है क्या तुम लोगों के पास? मैं तो चाहती हूँ कि तू ना कोई अच्छी जॉब कर ले, गवर्नमेंट जॉब कर ले, उसमें बहुत पैसा होता है। अब फीस भरने के लिए तो तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, और हम लोग तो किसी को उधार भाई देते नहीं है। इतना पैसा थोड़ा है कि मैं फ्री में बांटती फिरूं, मैं नहीं दूंगी किसी को। मेरी बहन बोली, मैंने तुझसे कब मांगा है जो तू ऐसा मेरे को बोल रही है। मैं तो तुझे अलर्ट करने आई थी कि फीस भरने का टाइम आ गया, अब तो देख ले तू क्या करेगी। और एक ना तुझे फ्री में एडवाइस देती हूँ, गरीबों को ना पढ़ना नहीं चाहिए। तो मेरी कजन बोली, अपनी एडवाइस ना अपने पास ही रख। अब जैसे मेरी कजन ने बोला ना अपनी एडवाइस अपने पास रख, तो कंगना वापस उस टेबल पर चली गई जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड बैठा था। तो मेरी कजन ने बताया, पता नहीं उन दोनों की क्या बहस हुई, ऐसा लग रहा था कि जैसे इसी बात पर दोनों की कोई बहस हो रही है, दूसरे एक दूसरे से वो बहुत गुस्से में बात कर रहे थे। तो कंगना ने क्या किया, अपने बॉयफ्रेंड को ना पूरी कंटीन में सब लोगों के सामने थप्पड़ मारा। अब थप्पड़ मारा और वहां से निकल गई कंगना। अभी एक दो दिन के बाद ना मेरी बहन का एक्स बॉयफ्रेंड मेरी बहन को बोलता है, प्लीज मेरे से एक बार बात कर ले। अब मेरी बहन ने उससे बात करना बंद कर दिया, वो फोन भी मेरी बहन को करता था। मेरी बहन ने भी उसी का तरीका अपनाया, वो भी फोन पर आती नहीं थी, बाई चांस अगर फोन उठा लिया तो फोन काट देती थी। और हर जगह उसने क्या किया, मेरी बहन को घेरना स्टार्ट कर लिया, प्लीज एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। एक दिन मैं और मेरी बहन ना मार्केट जा रहे थे, मेरी बहन के पास आया और हाथ जोड़ने लगा कि प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले। मेरी बहन ने बोला कि जब मैंने तुझे बोला था मेरी बात सुन ले, तूने मुझे एक मौका दिया नहीं दिया ना, अब मैं भी तुझे एक भी मौका नहीं दूंगी। तो वो लड़का ना पूरी मार्केट में घुटनों के बल आ गया और माफी मांगने लगा, मेरी बहन के पैर पड़ने लगा कि बोला प्लीज मेरी एक बार बात सुन ले। तो मेरी बहन बोली, चल ठीक है जो बोलना है बोल। तो मेरी बहन का हाथ पकड़ा और साइड पर ले गया, बोला एक बार प्लीज मेरी बात सुन ले, दिमाग शांत कर रखना और मेरी बात पूरी सुनना। अब ऐसे में वो दोनों साइड पर गए, कोई बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों में कोई ना कोई झगड़ा हो रहा है, एक्शन में ऐसा कर रहे हैं। मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों क्या बात कर रहे हैं। तो थोड़े टाइम के बाद ना मेरी बहन थोड़ी शांत हुई और नॉर्मल तरीके से वहां से निकल आई। मेरे को बोलती है, चल घर चलते हैं। तो मैंने उसको पूछा, क्या हुआ, ब्रेकअप क्यों हुआ था? तो बोलती, कुछ नहीं पर्सनल था। तो मैंने बोला, अच्छा अब सब सेट हो गया? तो बोलती, चल ना घर, तू कितने सवाल पूछती है। हम लोग घर पर आ गए। उसी शाम को ना कंगना हमारे घर पर आई और वो नई गाड़ी से उतरी और बोलती है, मेरी ना मन्नत पूरी हो गई है, मैंने नई गाड़ी ली है। मैंने बोला, ओके कंग्रेचुलेशंस, निकलो बाहर अभी, हमारे घर से जाओ। बोले, अरे मन्नत तो सुन लो कौन सी है। तो मैंने बोला, बोलना जल्दी बोल, टाइम खोटी मत कर, निकल जा हमारे घर से। अरे जाऊंगी बाबा, रहने के लिए नहीं आई हूँ, जा ही रही हूँ, सिर्फ इतना बता रही थी कि मेरी मन्नत क्या है। तो मैंने बोला, हाँ बोल क्या मन्नत है तेरी। तो बोले, मेरी शादी तय हो गई है। और उसने ना उस लड़के का नाम लिया जो मेरी बहन का बॉयफ्रेंड था, बोले हम दोनों की शादी तय हो गई है और ये मन्नत पूरी करने के लिए हम लोग ना आज रात को नैना देवी जा रहे हैं। तो मैं ना एकदम चौंक गई, कहीं ये लड़का पूरी मार्केट में मेरी बहन के पैर पकड़कर माफी मांग रहा है और अभी 2 सेकंड में ही ये लड़का पलट गया। हाँ, तो मेरी बहन ने क्या किया, फट से उस लड़के को कॉल लगाया। जस्ट कंगना तो अभी निकल गई, कॉल लगाया तो वो लड़के ने फोन ही काट दिया मेरी बहन का, कोई बात ही नहीं कर रहा है। मेरी बहन के मुंह से मैंने फर्स्ट टाइम गाली सुनी, बोले कुत्ती जब भी आती है ना आग लगा के ही जाती है, इतना कड़वा बोलती है। मेरी बहन अभी तरह तरह की उसको गालियां देने लगी, लेकिन मेरी बहन बेचारी बहुत दुखी थी। मेरी बहन ना बहुत तकलीफ में थी बेचारी, पूरी रात रोती रही। मैं उसको बोल भी रही हूँ, ऐसे फालतू बंदे के लिए क्यों रो रही है, जब उसने तेरे साथ चीटिंग की है तो तू उसके लिए क्यों रो रही है? तो मुझे बोलती, नहीं तू नहीं समझेगी, तू चुप रह, ऐसा करके वो मेरी बात भी नहीं सुन रही थी। अब पूरी रात रोने के बाद ना सुबह ही हम लोगों ने ना न्यूज़पेपर पढ़ा और वहां पर लोकल टीवी में न्यूज भी आई कि एक गाड़ी का ना बहुत बुरे से एक्सीडेंट हो गया है ट्रक के साथ,
और उस गाड़ी में ना लड़का लड़की जो थे उनकी मौत हो गई है। थोड़े ही टाइम के बाद कंगना के घर में रोने की आवाजें आने लगी और पता चला कि वो गाड़ी में जिसकी मौत हुई थी ना, वो कंगना और उसका बॉयफ्रेंड था, दोनों की मौत हो गई थी रस्ते में ही। कंगना का मोना इतना खराब था कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये वही कंगना है, ऐसा हम लोगों ने सुना था। हम लोग तो गए नहीं थे वहां पर, बच्चे लोग कहाँ जाएंगे ऐसी चीजों में, तो हम लोग तो नहीं गए थे, खाली बातें ऐसी सुनी थी। और ऐसे ही बिना मतलब कि उसका इतना फेस खराब था कि समझ में नहीं आ रहा था और उसका ना संस्कार कर दिया था। अब रात का टाइम था, मेरी बहन सो रही है, हम सब लोग बरांडे में ही सो रहे हैं, तो मेरी बहन को ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके ना पास आकर हंस रहा है। तो मेरी बहन फट से चौंक के उठ गई, जैसे उठी ना फिर से उसके कानों में आवाज आ रही है। मेरी बहन बहुत बुरे से डर गई थी। मेरी बहन ने सोने की कोशिश की, अचानक से उसकी आंख लग गई। आंख लगी तो मेरी बहन को सपना आया कि जैसे कोई साया ना उसको खींच के लेके जा रहा है, हाथ से ना जबरदस्ती खींच के लेके जा रहा है, और खींचते खींचते ना उसको चिता के पास लेके गया। वो चिता जल रही थी और बोल रही है, वो जो साया खींच रहा है ना, वो साया बोल रहा है, मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी, ऐसी अकेली नहीं जाऊंगी। तो मेरी बहन बोलती है, नहीं छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, वो हाथ ही नहीं छोड़ रही है। तो मेरी बहन ने क्या किया, जलती चिता से ना एक लकड़ी उठाई और उस साये पर लगा दी। वो साया पूरी तरह से जल गया और जल के ना वो राख जब हो गया तो हवा में उड़ गया। इतने में मेरी बहन उठ गई। मेरी बहन उठी, उसने ना फट से दादाजी को उठाया और दादाजी को बोला कि दादाजी मुझे ना ऐसा ऐसा सपना आया है। तो उसने अपने हाथों पर नख भी दिखाए, बोले ये सपने में पता नहीं मेरे को नख कैसे लग गए, बोले मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, बोले मैं ना बहुत डरी हुई हूँ। तो मेरे दादाजी बोले, बेटा ऐसा कर, तू शांत हो, पानी वगैरह पी, रब का नाम ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही मेरी बहन ने अभी पानी पीने के लिए ऐसे ग्लास ऊपर उठाया ना, तो हमारे क्या था, बरांडे के बाद आंगन था, आंगन के बाद ना काफी पेड़ लगे हुए थे, वहां पर एक नीम का भी पेड़ लगा हुआ था। उस पेड़ पर ना उसने वही सेम साया देखा। उसने बोला, पापा जी वो देखो साया। मेरे पापा जी ने भी सेम वही साया, जो जैसा मेरी कजन ने बताया था ना, वैसा ही मेरे पापा जी ने वो साया देखा। पापा जी ने साया देखा तो पापा जी भी चौंक गए, क्या की पापा जी चौके। तो पापा जी ने मेरी कजन को बोला, पुत्र तू डर मत, सब ठीक हो जाएगा, अपा रब का नाम लेने आ। उन्होंने क्या किया, जप करना स्टार्ट कर दिया। हमारे पास ना एक धार्मिक जगह का पानी था, तो मेरे पापा जी ने दूर से ही वो पानी छिड़का, तो भी पानी का कुछ असर नहीं हुआ। अभी आपको पता है कि जो पुराने लोग होते हैं वो घरों में अक्सर टकुआ मतलब कुल्हाड़ी, तलवार, लाठी सब चीजें रखते थे। मेरे घर में भी ये सब चीजें थी। तो मेरे दादाजी ने क्या किया, तलवार ली और जब करते करते एक बरांडे की ओर लाइन खींच दी और बोले, तू टेंशन ना ले, ये अभी अंदर नहीं आ पाएगी। तो मेरे पापा जी कंटिन्यू जप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो वो साया ना जोर जोर से हंस रहा है। तो मेरी कजन ने बोला, ये तो कंगना की हंसी है, वो ही ऐसा हंसती है, और वो ना ऐसे ऐसे हवा में उड़ रही है, हाथ भी ऐसे करके हिला रही है, ऐसे ऐसे करके और छिड़ा रही है। मेरे पापा जी कंटिन्यू जप कर रहे हैं। मेरे पापा जी बोले, बेटा तू डरी मत, डरी मत, कुछ नहीं होगा, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ऐसा करते करते ना अचानक से एक रोशनी आसमान से अंदर घर तक आई और फट से कंगना कहाँ चली गई पता नहीं चला है। इस तरह से पूरी रात ना मेरे दादाजी ने और मेरी कजन ने जाग के निकाली। बहुत डरावनी रात थी। सुबह उन्होंने बताया कि ऐसा सब कुछ हुआ है, तुम लोगों को तो पता नहीं है, तुम लोग तो सो रहे थे, बोले ऐसे उसका भूत आया हमारे घर पर। तो हम लोग बहुत डर गए कि अभी पहले ही इतने भूत हैं हमारे एरिया में, एक और भूत आ गया है। तो पापा जी बोले, कोई बात नहीं है, डरने की चीज बात नहीं है, निकल गया वो रात को ही चला गया, टेंशन मत लो, सब ठीक होगा, सब बढ़िया होगा, बस रब पर भरोसा रखो। इसके बाद ना कंगना का कभी कोई किस्सा नहीं हुआ ऐसा डरावना। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है, अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉक का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। मेरे दुश्मन तू मुझे कहीं कमजोर ना समझ, जा खुश रह तू मुझे तू जैसा ना समझ।